सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति की याचिका पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एनपी प्रजापति ने शिवराज मंत्रिमंडल के आकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनपी प्रजापति ने कोर्ट में याचिका दायर कर सवाल उठाया है कि शिवराज मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या के मुताबिक 34 मंत्री नहीं बनाए जा सकते। विधानसभा में जितनी सदस्य संख्या है उसके हिसाब से विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। ये वैधानिक व्यवस्था है, लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल में तय संख्या से ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। प्रजापति ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अभी हाल में शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के पद का बंटवारा हुआ है। बीजेपी के अंदर से भी कुछ नाराजगी की आवाज़ें आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे को ज्यादा तरजीह दी गई है। सिंधिया के करीबी माने जाने वाले गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन विभाग दिया गया। ऐसे ही इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। कमलनाथ सरकार में भी गोविंद सिंह राजपूत और इमरती देवी के पास इन्हीं विभागों की जिम्मेदारी थी। वहीं कमलनाथ सरकार में तुलसी सिलावट प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन शिवराज सरकार में उन्हें जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सिंधिया के करीबी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को ही सौंपी गई है। इससे पहले प्रभुराम चौधरी कमलनाथ सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री थे। अब कांग्रेस नेता और पूर्व स्पीकर प्रजापति ने अदालत में कहा है कि नियम के खिलाफ मंत्री पद बांटे गए हैं, जिस पर कोर्ट संज्ञान ले। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।